हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बिल्कुल जादुई तरीके से पढ़ाने आया हूं। तो ये तीन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको देके जा रहा हूँ। तो आज BCECLE का रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम डेट है 7 सितंबर 2021, जिसका एग्ज़ाम आपको 26 सितंबर को होने वाला है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें या क्या पढ़ें, तो क्या कौन कौन सा विषय पूछता है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें तीनों विषय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और टेक्निकल इंग्लिश पूछा जाता है। तो इसके पास करने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको तीनों विषय पूछा जाता है। तो इंग्लिश सबसे पहला चीज़ है, इंग्लिश को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश को पास करने का एक ही तरीका है, 50 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 9 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बनाने हैं, और निगेटिव मार्किंग भी तीनों विषय में है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा गलत भी नहीं करने हैं। तो जिसका आंसर जानिएगा बिल्कुल करेक्टली सही सही बनाना है आपको, गलत आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात कि मैं जो है कि आगे आपको टेक्निकल इंग्लिश में सिलेबस बढ़ा रहा था। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक को कैसे कैसे कवर करना है, इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में मेन पर्पज़ हमारा समय देने का यही था कि अभी भी बच्चे अच्छे से संभल जाएं, और उनको सही से पता होना चाहिए कि आखिर जो है कि हमको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन विषय में कितना मेहनत करना है। तो जो बच्चे पेड बैच में नहीं जुड़ पाए हैं, चूँकि एडमिशन बंद हो चुका है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो जो है कि 500 रुपीज़ ही पेड करने होंगे, और वो अपने रिक्स पे लेंगे। अगर वो अपने रिक्स पे उठाते हैं तो उनको बेनिफिट है, क्योंकि अभी जो 10 से 15 दिन का जो मेरा क्लास चलेगा वो बहुत ही एग्जाम टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से चलेगा, और एग्जाम के पर्पज़ से प्रैक्टिस क्वेश्चन उस तरीके से डीलिंग करवाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से अभी आपको इस क्वेश्चंस के जादुई तरीके से आंसर बताए जाएंगे, बिल्कुल जादुई तरीके से सभी क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में 110% आने के चांसेज हैं। और नहीं जो बच्चे ज्वाइन कर पाए पेड बैच में, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण, बस तो उनको भी घबराने की बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि आप हमारे पेड बैच में आइएगा तभी आप पास कीजिएगा, अगर पेड बैच में नहीं आते हैं तो पास नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, हमारा जितना भी 2020 से लेके 2021 तक जितना भी वीडियो जो भी विषय का हम बनाए हैं, उस वीडियो को आप बारी बारी से करके उसे नोट डाउन करके लिखते चलेंगे, और प्लेलिस्ट खास करके इंग्लिश का प्लेलिस्ट खोल लीजिए 2020 और 2021 का, दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ जाइए, आपका रिजल्ट होना तय है। अगर उससे भी बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 2020 में जितना मैंने मैथमेटिक्स इंग्लिश क्या कहते हैं इंग्लिश करवाया था उतना पढ़ लीजिए, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई, अब जादुई तरीके से मैथ को देखते हैं। तो आपका जो है कि इसलिए क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप लोगों को सिर्फ बकवास सुनने में मज़ा ना आए, तो इसके लिए आपको तो यानी कि 4 से 8 मार्क्स इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, जादुई तरीके क्यों बोले हैं। देखिए यहाँ से जादुई तरीका, और नया जो है कि नया भी मेथड, जादुई तरीका क्या होता है कि इसमें से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको, बिना कॉपी कलम बिना पेन के बनेंगे, और आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो प्रॉपर्टीज आप याद कीजिए, सर ने पढ़ाया था सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस ऑफ, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस ऑफ ए, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट को सभी को जोड़ देना है। तो जोड़िए सर, 5 + 4 - 3 बराबर हो जाएगा 6। आप ऑप्शन को देखिए, जोड़ने के बाद 6 होना चाहिए कि नहीं, देखिए 6 + 5 = 11 + 4 = 15 सर खेला खत्म, 5 + 4 = 9 = 12 सर खेला खत्म, 4 + 3 = 7 = 9 सर खेला खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं, क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत हुई, बिल्कुल पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं, और ये विद इन ए फ्यू सेकेंड क्वेश्चन जादुई की झप्पी से बन गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या दिया हुआ, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बाय ऑप्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल।
ठीक है, चूंकि आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो क्या करना है कि आपको इस रूल को फॉलो करना है, बाय ऑप्शन इस इक्वेशंस को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x1 + 5x2 - 3x3 = 3। चूंकि इसमें से आपके वेरिएबल, थ्री वेरिएबल दिए हुए, थ्री अननोन वेरिएबल हैं, तो थ्री इक्वेशंस भी दिए हो रहेंगे आपको, इसको सॉल्यूशन करने में ज़्यादा समय लगेंगे, लेकिन आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से बनाइएगा इसके लिए देखिए बाय ऑप्शन हम लोग को चलना पड़ेगा। तो देखिए x1 का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x2 का वैल्यू 1 और x3 का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो पुट करके चेक कीजिए बारी बारी से, कहेगा सर 2 2 = 4 + 5 = 9 - 6 = 3, फॉलो कर गया। सेकेंड को चेक करते हैं सर, 2 - 2 = 0 + 2, सर ये भी फॉलो कर गया। 3 देखिए 7 2 = 14 14 + 4 18 18 में से 6 = 12, ये नंबर फॉलो कर गया। क्या बी भी करेगा सर? देखिए 2 3 = 6 + 6 = 30 30 + 36 36 में से 33 जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। सर ये भी फॉलो कर गया। आगे बढ़े, 4 को देखिए, 4 * 4 = 8, 5 * 55 55 + 63 63 - 20 = 60, सर तीनों ऑप्शन फॉलो कर गया। पहले अगर एक ही इक्वेशन में तीनों वैल्यू को अगर सब फॉलो कर गया, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बचा लास्ट में वही होगा ना, यानी कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे जानदार क्वेश्चन अब आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स बिल्कुल निश्चिंत करेंगे। करा इक्वेशन ऑफ द लाइन नॉर्मल, सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर आपने पढ़ाया था y - y1 = -1ym × x - x1 सर, और यहां हमने ये पढ़ा सर m क्या है, m इज द dy/dx और कह सकते हैं m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट सर dy/dx। बट कह रहा इक्वेशन ऑफ द लाइन नॉर्मल टू द फंक्शन fx, सर ये तो हमारा फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू दे दिया है x - 8 / 2/3 + 1, और बोला जा रहा है कि एट p एक पॉइंट सर दिया हुआ, p का पॉइंट दिया, बोलता है 0 और 5 पे निकाल के बताओ ये x1 ये y1 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो सर ए ऑप्शन में दिया y = 3x - 5, बी में दिया y = 3x + 5, सी में दिया हुआ 3y = x + 15 और डी में दिया हुआ 3y = x - 15। तो कैसे करना है? तो देखिए सबसे पहले चीज आपको, हम जब पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसके ऊपर में अगर एक लकीर लिख दिया जाए डेट इज इक्वल टू dy/dx, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो f'x यूँ ही करेंगे तो आपको यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन आता है सर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2/3, ये बचेगा सर x - 8 / 2/3 हो जाएगा -1/3, सर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो एक्चुअल में बचेगा सर 2/3 × x - 8 / -1/3 बचेगा सर। तो ये dy/dx डैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा dy/dx डैट इज इक्वल टू कॉल्ड m, ठीक है। तो अब किस पॉइंट पे बोला, यानी m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं m इक्वल टू dy/dx। अब किस पॉइंट पे बोला है, एट पॉइंट बोला है 0 और 5 पे निकालने के लिए, तो पुट कीजिए 2/3 × x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 - 8, यानी क्या होगा -8 / 2 हो जाएगा -1/3। जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, देखिए 2/3 यहाँ से लिखेंगे और यह है -8 / 1, ठीक है। तो इससे क्या बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्यूशन करके हम दिखा देते हैं, -8 / -1/3 है ना, तो इसको क्या करोगे, क्यूब रूट यहाँ पर ले आओ 3 पर, यहाँ पर ले आओ -8 / -1, जब अगर क्यूब को हटाओगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/-8, तो यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, -1/2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट आप लोग पढ़े हो, -1/2 जो ही बाहर निकलेगा, और सर ये 2 से तो 2 कटेगा तो आ जाएगा यहाँ से -1/3। चलिए m का वैल्यू आ गया, अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, नहीं तो जानते हो और क्या किया जाता है इसमें से, आपका किया जाएगा क्या,
कि सर ये चीज़ तो निकाल लिए, अब इसमें से क्या करा जाएगा, बहुत सारे पढ़ाएंगे कि अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू होता है देखो -1/m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत, m का वैल्यू आया तो डायरेक्टली पुट क्यों नहीं कर दें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ से कि y माइनस, ठीक है, नॉर्मल y माइनस y1, देखो यहाँ से y1 का वैल्यू है 5, यानी y माइनस 5 इक्वल टू -1/m, -1/m, m का वैल्यू देखो आ गया मेरा -1/3, तो -1/3 यहाँ पे पुट कर दो, x माइनस x1 का वैल्यू है 0, आंसर नहीं आ जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस से माइनस कटेगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x, सर y माइनस 5 इक्वल टू हो गया 3x, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे 3x+5, यानी देखो कितना आसान सा है, y इक्वल टू 3x+5, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरीके से हम जादुई के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं हमारे अपने बैच में, तो इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन आते रहेगा। कल जो है कि आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबल का पार्ट 2 आएगा, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को आगे दूर दूर तक पहुंचाइए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं सभी को शेयर कीजिए अगर पसंद आया तो। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लाएँ तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।